खंडेलवाल वैश्य पंचायती सभा के अध्यक्ष राजू डंगयाच, ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश कुलवाल ने बताया कि आज परसराम पुरिया स्कूल में खंडेलवाल समाज की सबसे बड़ी संस्था की असाधारण सभा आहूत की गई है। सभा में समाज अध्यक्ष द्वारा विगत वर्षों का आय व्यय का ब्यौरा पेश किया गया है, जिस सदन के सभी समाजजनों ने एक मत होकर स्वीकार किया गया है। साथ ही समाज में आगामी समय में निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, जिसमें चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की गई है। साथ ही समाज के एक धड़े द्वारा समाज पर बलात् कब्जे का निंदा प्रस्ताव भी रखा गया है, जिसे समाजजनों ने हाथ उठाकर निंदा प्रस्ताव पर सहमति दी है। समाज के पूर्व अध्यक्ष मुरली धमनी, सचिव शरद माली, कोषाध्यक्ष सुशील सकुनिया ने संबोधित किया। समाज के सैकड़ों समाजजनों ने महिला युवा पुरुषों से बढ़ चढ़कर कहा कि एक धड़े द्वारा जिस समाज पर बलात् कब्जे करने का विरोध किया, बिना चुनाव के अपने आप को अध्यक्ष बताने वाले श्री अशोक खंडेलवाल किलकिया एवं उनकी पूरी कार्यकारिणी को फर्जी घोषित किया गया, तत्काल चुनाव कराने की घोषणा की गई है। सूचना के लिए मीटिंग बुलाई है। समाज में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हमारे समाज का एक विधान है, उस विधान के अनुसार हर कार्य होना चाहिए। हमारे समाज का 21 दिन का नियम है कि 21 दिन में साधारण सभा बुलाएं, उसमें चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हो। चुनाव अधिकारी नामांकन के लिए लोगों के फॉर्म बुलाते हैं, चुनाव की तारीख डिक्लेयर होती है, उसके बाद चुनाव सम्पन्न होते हैं, वो तत्पश्चात प्रत्याशियों का निर्वाचन होता है। तत्पश्चात जैसा अभी आपने कई कुछ तत्पश्चात ट्रस्ट का चेयरमैन अगली बाड़ी आती है, अगली बाड़ी का अध्यक्ष ट्रस्ट का चेयरमैन अपनी कार्यकारिणी के मीटिंग में चुनता है। यहाँ किसी भी प्रकार के विधान का पालन नहीं हुआ, सब स्वनिर्मित अपने सदस्य बने हैं। आगामी समय में क्या निर्णय होने वाला है आपका? इस असाधारण सभा में समाज की नई दिशा असाधारण सभा तय करेगी। इसमें ये निर्णय होगा कि अगले चुनाव अधिकारी का यहाँ चुनाव होगा, उस चुनाव अधिकारी के सानिध्य में जो भी चुनाव की तारीख होगी उसमें चुनाव डिक्लेयर होंगे। बाकायदा एक चुनाव की जो हमारे समाज का विधान है उसकी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के अनुसार समाज के चुनाव होंगे और समाज को एक नई दिशा मिलेगी। आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश कुलवाल, चेयरमैन खंडेलवाल इनिशिएटिव ट्रस्ट। क्या कारण है? समाज के बायलाज होते हैं, उस बायलाज में साधारण सभा होती है, असाधारण सभा होती है। असाधारण सभा एक ऐसी बॉडी है जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय को कोई भी नहीं पलट सकता है। क्योंकि समाज में चुनाव लंबित थे और प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया में ज़रूर लेट हुए, पर उसका ये परिणाम नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने 5-25 व्यक्तियों को इकट्ठा कर ले और अपने आप को पदाधिकारी घोषित कर ले। विगत 12 अगस्त को जिस तरह से सुपर हॉस्पिटल में उन्होंने एक चिंतन बैठक के नाम से मीटिंग बुलवा कर उस मीटिंग को साधारण सभा दर्शाते हुए जो अध्यक्ष और ट्रस्ट के चेयरमैन हैं इनके साथ बाउंसरों से गलत व्यवहार करवाते हुए इनको वहाँ से बाहर जब रवाना कर दिया और उसके बाद अपने आप को साधारण सभा बताकर दो व्यक्ति जो समाज के किसी भी पद पर नहीं हैं उन दोनों व्यक्तियों ने पदाधिकारियों की घोषणा कर दी। समाज का एक विधान होता है, विधान के अनुरूप सारी कार्रवाई होती है। यदि किसी का चुनाव प्रक्रिया है तो चुनाव प्रक्रिया के लिए उसका एजेंडा जारी होता है, चुनाव समिति बनती है, चुनाव समिति पूरा एजेंडा जारी करके कि कब कब चुनाव होंगे, किस तरह से होंगे, नामांकन किस तरह से होंगे, कोई भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जिनको उन्होंने चुनाव समिति संयोजक बताया 12 दिन तक वो उनका विरोध करते रहे। ईश्वर जाने कि 25 अगस्त को उन्हें क्या गुठली पिलाई गई कि उन्होंने उनको एक लेटर दे दिया कि आप समाज के वरिष्ठजनों से चर्चा के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि आपको समाज के पदाधिकारी घोषित कर देते हैं, जबकि ऐसा किसी भी व्यक्ति के पास पावर नहीं होता है। वर्तमान में अशोक खंडेलवाल और राजेश खंडेलवाल जी जो एडवोकेट हैं वो भी अध्यक्ष और सचिव हैं और उन्होंने थाने पर भी कुछ शिकायत की है, कुछ राजनीतिक दबाव भी बताया जा रहा है, क्या मामला है ये? निश्चित आप जो कह रहे हैं राजनीतिक दबाव का जहाँ तक सवाल है, हमारे पास किसी भी ऐसे राजनीतिक व्यक्ति का दबाव हमारे पास नहीं आया, पर समाज के लोगों को बार बार ये दर्शाते हैं कि उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, अलग अलग नाम लेकर जो आज शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ऐसे राजनीतिक जो सामाजिक रूप से भी हर संस्था को समाज को सहयोग करते हैं, बढ़ाते हैं, ऐसे उन लोगों का नाम ले लेकर समाज को भयभीत किया जाता है। आपका परिचय दीजिए।
मुरलीधर धामानी। यहाँ देखने को मिल रही है, क्या मामला, किस कारण से साधारण सभा हो रही है? खंडेलवाल विश्व पंचायती सभा के आगामी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए आज एक समाज की असाधारण सभा का आयोजन किया गया है, इसमें करीब करीब 500 से 1000 लोग का यहाँ आने की उम्मीद है। हम अगली चुनाव समिति का गठन कर आगे चुनाव करने जा रहे हैं, जिसमें समाज में एक नई टीम आकर नया काम करेगी। अभी जो पूर्व में देखा गया कि एक नई टीम जो पूर्व में बनी हुई थी, और इसके मामले में थाने में पर भी कुछ मामला गया है। पूरा अवैधानिक गतिविधि है, अवैधानिक काम किया, न तो कोई टीम चुनी गई है, न कोई मीटिंग हुई है, न कोई साधन सभा के अंदर चुनाव हुए मीटिंग हुई है। इस प्रकार की लोहारपट्टी में समाज की धर्मशाला है, इसमें भी उन लोगों ने लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ पर नई नई जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। चाबी गणेश उत्सव के नाम से ली गई थी और आज तक चाबी लौटाई नहीं जा रही उनके द्वारा। वहाँ पे एक होटल ऊपर बनाने का भी कुछ विचार हुआ था, लाज बनाने के लिए भी कुछ सहमति बनी थी। वो चुने हुए लोग ही नहीं है तो निर्णय कैसे ले लेंगे? वो चुने हुई टीम हमारी है, हम नया चुनाव करा रहे हैं, आज असाधारण सभा उसी का हिस्सा है। नई चुनाव समिति आएगी, गठन करेंगे, चुनाव कराए जाएंगे, उसके बाद जो नई टीम आई वो काम करेगी। आज हम देख रहे हैं कि पुलिस भी यहाँ पर आ रही है, बार बार आप लोगों से चर्चाएं हो रही है, क्या क्या मामला पुलिस का? वैसे कोई ऐसा माहौल तो नहीं है, शांतिपूर्ण माहौल में हम मीटिंग करा रहे हैं। तो आपका परिचय दें। मैं राजेश गंगा अध्यक्ष।